उतार छोड़ी उतार 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 नहीं छोड़ी उछाल। क्या मजाक कर रहे थे? डंडे पड़ेंगे तुम सबको, डंडे पड़ेंगे। उछाल और उछाल 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 उछाल। दिल खुश कर देता तुझे सच में। टेंशन के मारे तो मेरी भूख ही मर गई थी, अब ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह में घी और शक्कर डाल दिया हो। अरे किसी ने क्या आती भाई, मेहता साहब ने खुद ने आपके मुंह में घी शक्कर डाल दिया है। इसी बात का छोटी एक बार और उछाल। नहीं नहीं भाई नहीं, हो गया। ओ एक बार तो और बनता है। अरे नहीं हो गया भाई, थोड़ी हो गया। ओ जो भी हो यारो, ओ सारी टेंशन दूर होगी। पीड़ू तो सीधे रात को आएगा। और उसके बदले तो सखर हमें आप भी जाएगा। चलो हाँ घी ना ठम्मा घी पड़ी रही हूँ। की क्या जे टपरा? ओ ठाम 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 मतलब बर्तन छोटी, मतलब घी ना ठम्मा घी पड़ी रही हूँ, मतलब घी के बर्तन में घी पड़ा रहा और किसी को पता ही नहीं चला ऐसा। अरे वाह मस्त गुजराती कहावत है जड़ा रहा मस्त क्या। अच्छा दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, भगवान ने हम सबको इस चंगुल से बचा लिया तो उनको थैंक यू कहना तो बनता है ना। थैंक यू भगवान, आपने पहले थोड़ा टेंशन नहीं, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा टेंशन दे दिया, लेकिन फिर आपने ही टेंशन गायब कर दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने भिड़े की नजर सखाराम पे जाने ही नहीं दी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ वाहेगुरु तेरा शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। सच में हम लोग तो क्या क्या सोच रहे थे कि भिड़े ऐसा करेगा तो हम वैसा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, भगवान ने एक ही सेकंड में पूरी बाजी पलट दी, पलक झपकते ही टेंशन गायब। सही बात है। वैसे दोस्तों आज ये सब कुछ देख के मुझे अकबर बीरबल की कहानी याद आ गई। कौन सी वाली? अरे बहुत सिंपल और छोटी सी कहानी। अकबर ने बीरबल से एक बार कहा कि भाई बीरबल, दुनिया में कोई ऐसी बात है जिसे सुन के खुशी भी हो और दुख भी हो? बीरबल ने कहा है, बताता हूँ। ऐसी कैसी है ये एक बात जिसे सुन के खुशी भी हो और दुख भी? हाँ खुशी और दुख दोनों एक साथ, एवे केवे जी। अरे यही तो बीरबल निकाल के लेके आया जो आज की हमारी परिस्थितियों से बिल्कुल मेल खाता है। क्या कहा था बीरबल जी ने? बीरबल ने सिर्फ एक बात कही, ये समय भी बीत जाएगा। बस इसमें क्या खुशी और क्या गम? अरे आप नहीं समझ रहे हो डॉक्टर हाथी, ये जो वाक्य है ये एक वाक्य ही खुशी भी देता है और दुख भी देता है। जब आप बहुत तनाव में हो, बहुत परेशान हो, बहुत टेंशन में हो, उस वक्त सोचो ये समय भी बीत जाएगा, तो आपको ये सोच के कितनी खुशी होगी कि दुख भरा समय निकल जाएगा। और जिस वक्त आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, उस वक्त ये सोचोगे ये समय भी बीत जाएगा, तो सोच के कितना दुख होगा कि अरे ये खुशी भरा समय बीत जाएगा। वाह वाह मेहता साहब, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। सही बात है, शाबाश मेहता साहब। लेकिन थोड़ा लेट उदाहरण दिया मेहता साहब, कल रात को हम सब इतने टेंशन में थे तभी ये उदाहरण दिया होता ना, तो क्या हम लोग शांति से सो सकते थे ना कि भाई ये समय भी बीत जाएगा। सही बात है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी अच्छा समय आया है तो इसके मजे लेते हैं। लेकिन भूलिएगा मत ये समय भी बीत जाएगा। नहीं नहीं मेहता साहब नहीं बीतेगा, क्योंकि भीड़े तो गया है लोना वाला, वहां से वो तो अभी रात को आएगा, उसके पहले उसका सखाराम दोपहर को टिप टैप होके अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा है? तो हमारा ये समय ऐसे ही चलता रहेगा। सही बात है, यानी कि अब तक जो हम लोग बकरी की तरह डर डर के जी रहे थे, अब शेर की तरह सीना तान के दहाड़ेंगे। आती बकरी होकर फिर शेर हो गया। ए दोस्तों एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कीजिए डबरा। क्या कि अभी मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ ना, तो अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं चाहता हूँ आज का सुविचार मैं ही लिखूं। हाँ लिखिए लिखिए। वाह वाह वाह, ये डबरा कमाल कर देता है यार। और यारो अब जब टेंशन दूरी हो गया तो पार्टी शार्टी करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, एक काम करते ना, चलो पद्मावती भोजनालय में जाते हैं, फुल थाली खाते। जेठा भाई, थाली तो अनलिमिटेड होगी ना? हाँ, जितना मर्जी खाओ। अरे क्या बात है, आज तो सजोड़े जॉगिंग। सजोड़े मतलब कपलिंग जॉगिंग? हाँ जेठा लाल, मैं और बबीता साथ में जॉगिंग करने गए थे। वाह क्या बात है, दौड़ना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, सबको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। मुझे देखो, दौड़ने की बात कौन कर रहा है? छोड़ी क्या है ना कि सबकी अपने अपने शरीर की तासीर होती है, मैं खूब चलता हूँ और फिट रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर बोल रहे हैं भाती भाई। अभी अय्यर भाई का जो शरीर है वो हिसाब से तो उनको दौड़ना ही चाहिए, बराबर है। जेठालाल मैं फिट एंड फाइन है, दौड़ने का जरूरत तुमको है। अच्छा चलो ठीक है फिर, बबीता जी कल से हम दोनों जॉगिंग करने जाएंगे। हाँ ओके। जेठालाल अने सेकंड थॉट, तुम वो प्राणायाम करता है ना? हाँ। तो उसमें तुमको ऐसा दौड़ने का जरूरत नहीं है, तुम फिट है। ले। और जेठा भाई तो हमेशा हंसते भी रहते हैं। Laughter is the best medicine. हाँ, absolutely हाँ, सब तो हंसते रहना चाहिए हमेशा। हाँ, हंसते ही रहना चाहिए, हंसते रहो इंडिया। Hey, बबीता जी, आपने वो आज का सुविचार पढ़ा कि नहीं? नहीं, क्यों, कुछ स्पेशल है क्या? अरे ये आज मैंने लिखा है। तभी हैंडराइटिंग इतना खराब है। अभी अक्सर छोड़ा नहीं यार भाई, और सुविचार के पीछे जो मेरा विचार है उसको ग्रहण करो आप। अच्छा जेठालाल, मेरा विचार इस सुविचार के पीछे तुम्हारा विचार है? अभी मेहता साहब आप भी एक यार भाई बोल रहे अक्सर खराब है, आप बोल रहे हैं। अरे छोड़ो ना वो सब, मेन क्या है, जो सुविचार है वो क्या कहना चाहता है उस पे ध्यान दो। सही ठीक बात है, कोई बात नहीं। ये समय भी बीत जाएगा। डीप हाँ? बिल्कुल, इसका मतलब आप समझे ना बबीता जी, क्या है कि समय जो है वो इंसान के लिए बहुत महत्व रखता है। फिर इंसान का समय अच्छा हो बुरा हो कैसा भी चल रहा हो, लेकिन इंसान को ये वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, ये समय भी बीत जाएगा। इससे क्या होता है, एक मिनट छोटी। ओके जी। इससे क्या कह रहा था मैं, ये समय भी बीत जाएगा। हाँ बाबू जी, अब आप कब आए? उस समय जिस समय तू समय पे प्रवचन दे रहा था। क्या भाई, अभी थोड़े समय पहले तो तू घर पे कह रहा था कि तेरे पास बिल्कुल समय नहीं, जल्दी जाना है जल्दी जाना है, दुकान पे माल आने वाला है, चाय नाश्ता करने का भी समय नहीं है बाबूजी, और यहाँ पे खड़े खड़े समय पे प्रवचन दे, ये समय भी बीत जाएगा। अरे कब का बीत गया तेरा समय, जा दुकान जा। नहीं अभी जरूरत नहीं है बाबूजी। क्यों, माल नहीं आने वाला है? हाँ वो क्या है, मैं दुकान के लिए जा ही रहा था कि इतने में वो ट्रक ड्राइवर का फोन आ गया। वो क्या है कि वो पहले हमारी दुकान पे माल डिलीवरी करके कल कहीं और जाने वाला था माल डिलीवरी करने के लिए, लेकिन जिस रास्ते से वो आ रहा था उधर इतना ट्रैफिक जाम था तो उसने दूसरा रास्ता ले लिया। तो फिर उसने फोन किया कि अभी कल मैं जहाँ जाने वाला था वहाँ आज जाके आता हूँ और आपके यहाँ मैं कल आऊंगा, ऐसा। और फिर सब मिल गए तो दो मिनट जरा बात करने के लिए रुक गया यहाँ पे। रोशन तुम ना भी रही अच्छे, टूटू घर पे मुझे बोल रहा था कि मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया, मुझे गैराज में गनु बड्डू काम छे। हाँ हंस, तुम्हें तो पेशेंट को चेक करने जाना था ना, क्या हुआ? रोशन डार्लिंग, वो गड्डी जो गैराज में ठीक होने के लिए आने वाली थी ना, वो गड्डी आई नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। ओ कोमल,
मैं जिस पेशेंट को देखने जाने वाला था ना, उसके घर वालों का फोन आया था कि उसकी तबीयत अभी ठीक है, मुझे विजिट पे जाने की जरूरत नहीं है। चलो कमाल है, तुम तीनों का जाना एक साथ कैंसिल हो गया। देखिया कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं बाप, अरे ओ अय्यर भाई, नहीं बापू जी कोई इसमें गड़बड़ क्या, ये तो महज एक कॉन्फिडेंस हो गया है। क्या हो गया? कोइंसिडेंस चाचा जी, जेठालाल कह रहा है कोइंसिडेंस, संयोग है। हां वो संयोग, संयोग हो गया। वैसे आज भिंडी मास्टर ने सुविचार अच्छा लिखा है। नहीं नहीं चाचा जी, सुविचार तो जेठालाल ने लिखा है। क्या सुविचार तूने क्यों लिखा? ये तो भिंडी मास्टर का काम है। नहीं बराबर है, लेकिन वो मैं तो सब बता रहे थे कि आज अचानक वो भिड़े है क्या अपने परिवार के साथ, सुबह सुबह वो लोनावाला के लिए घूमने निकल गया। तो मुझे लगता है उत्साह में वो सुविचार लिखना भूल गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या। अरे वाह, अरे वाह जिटिया, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए। मैं मंदिर जाता जी। ओके बाबू, हाँ हाँ भाई, चलो हम लोग भी चलते। अरे अरे एक मिनट, क्या चलते हैं बबीता जी? मैं क्या कहता हूँ, आप तो वैसे भी छुट्टी का दिन है तो सब मिलके कुछ प्लान बनाते हैं ना, है? क्या कहते हैं बता सब? हाँ क्यों नहीं, अरे भाई आज तो सब फ्री है तो प्रोग्राम बन सकता है। घर में मुझे टेंशन है करके मुझे टेंशन में डाल दिया, और यहाँ आप सबको कह रहे हैं कि मैं तो फ्री हूँ, क्यों? तो फ्री हुआ ना, तुम्हारे लिए फ्री हुआ अंजलि, तुम्हारे लिए। भाई बहुत टेंशन था आज सुबह से, इतना टेंशन था आर्टिकल का, डॉक्टर आती क्या बताऊं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा था। हाँ समझ भी नहीं आता, थोड़ी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, अरे परेशान हो गया मैं जेठालाल, लेकिन फिर मैंने मैनेज किया। मैंने उनको बोला फोन पे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लो, ये फाइनल है, क्योंकि अब मैं इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, और आज का दिन मैं अपनी वाइफ के साथ बिताऊंगा। सच्ची? अरे हाँ भाई बिल्कुल सच, तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, एक मिनट गुना, मैं क्या कहता हूँ, देखो आज हम सब जेंट्स को तो छुट्टी है, है? तो आप सब लेडीज लोग भी आज खाना बनाने से छुट्टी ले लो। तो क्या मेरी तरफ से आज हम सब जाते हैं राजभोग महाथाली खाने, है? राजभोग महाथाली? अरे जेठा भाई, उसमें तो खाने की बहुत सारी आइटम होगी। अरे बहुत सारी मतलब ढेर सारी, उसमें देखो क्या है, वो मसाला पूरी, भाकरी, फुलका, रोटी, तीन तरह की सब्जी, दाल, कढ़ी, भजिया, ढोकला, अचार, पापड़, और स्वीट में रत्नागिरी हफूस का आमरस ठंडा ठंडा। वाह जेठा भाई वाह, इतनी सारी डिशों का नाम आपके मुंह से सुन के इतना मजा आ गया, जब मैं इसको खाऊंगा तो कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। That sounds like a good plan, huh? I'm in. अरे ऐसा क्या कर रहे हो बबीता जी, चलिए ना। जेठालाल बबीता हाँ कह रही है, ना नहीं बोल रही है। पता है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा बोला आपके लिए, मुझे पता था आप मुझे समझाएंगे। कैसा उल्लू बनाया है? चलो चलो, तो आज अभी हम सब रस पूरी और ढोकड़ा की जयाफत उड़ाने जाते हैं। सुबह अच्छे जेठा भाई, आज हम बहुत खुश खुश लग रहे हैं। अरे रोशन भाभी, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ, और आज तो खास हमारी सोसाइटी के एक मवे सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी ने हमें कितनी बढ़िया प्रेरणा दी है कि भाई छुट्टी के दिन सबको कल्पम सरे मौज मजा करनी ही चाहिए। ओ हाँ जी, ओ जैसे अपना पिड़ू लोना वाला जागे एंजॉय कर रहा, वैसे हम सब रस परी एंजॉय करेंगे।
कहीं अब चलना है? अभी चलते हैं। आत्मारा गुड मॉर्निंग। अय्यर भाई को देखो, भीड़ यहाँ है नहीं, फिर भी उसकी मालकनी की ओर देख के बोल रहा है गुड मॉर्निंग आत्माराम। ये अय्यर का भीड़ के लिए असीम प्यार बोल रहा है। अय्यर ब्रा, ओ पिडू तो लोना वाला गया है और वहां पहुंच के वो बहुत मजे करने वाला है। डॉक्टर आदि, आत्माराम लोना वाला मजे करने गया है तो फिर वो बालकनी में खड़ा है, वो कौन है? अरे गुड मॉर्निंग मंडली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। ये सपना नहीं हकीकत है। मैं तो खुद कुछ नहीं समझ पा रहा। मुझे अंजलि ने बोला कि भाई भिड़े परिवार लोनावाला जा रहा है। मैंने बाहर आके खुद देखा अपनी आंखों से गाड़ी जाते हुए जिसमें माही भाभी और सोनू बैठे हुए थे। भिड़े भी थे अंदर। लाल, अगर माधवी भाभी और सोनू वहां बैठे हैं तो मैंने सोचा भिड़े तो साथ ही बैठा होगा ना। अरे सोचा सोच, आपके एक अंदाजे ने आज हमें शेर के मुंह में ला के रख दिया। आप क्या करें? चलो यारो निकलते हैं। सही बात है। अरे क्या सही बात है डॉक्टर आती, क्या सखाराम गायब हुआ है? ऐसे में अगर आप तीनों अचानक गायब हो जाएंगे तो सबसे पहला शक आप तीनों पे आएगा। तो क्या करें अभी? अभी क्या करें? क्या देखो, नॉर्मल रहने की कोशिश करो, क्योंकि मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन नॉर्मल रहने की कोशिश करो। ऐसे जताओ जैसे हमें कुछ नहीं पता है। और बीरबल को याद करो। कौन बीरबल? अकबर वाला बीरबल भाई। कौन से अखबार वाला? अरे अखबार वाला नहीं, अकबर वाला। अरे तो उसको अभी क्यों याद करें? अरे अकबर को याद नहीं करना है, बीरबल को याद करना है। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसको अभी क्यों याद करें? अरे बीरबल नहीं, बीरबल की बात याद करनी है। कौन सी वाली? ये समय में बीत जाएगा। अरे मेरा सकरम कहाँ गया? अरे ये सकरम इधर ही था, कहाँ गायब हो गया सकरम? नहीं, यह तो नहीं है। आत्मा राम हाँ बोल टप्पू। गोली गोगी जिसका डर था वही हुआ। हाँ यार, बेटे अंकल कितने गुस्से में, मैंने तो बहुत डर लग रहा है। डर छोड़ यार गोगी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स और बेटे अंकल कितने परेशान है। हाँ गोली, लेकिन अब हम चाकर भी कुछ नहीं कर सकते, सारी गलती हमारी है। और हमारे पापा ने किसी से कुछ बताने से मना भी किया है और घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया है। फ्रेंड्स, अब हम अपने पापा पे भरोसा रखते हैं और उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करते हैं। कोई घर से बाहर मत निकलना। हाँ, पता नहीं आगे क्या होगा। भगवान पे भरोसा रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो जाए। चलो रखता हूँ। ओके बाय। रत्ता साहब, अब क्या करें? कुछ आइडिया दो। आइडिया दो जेठालाल, मेरे ख्याल से अब जब तक स्कूटर गैराज से वापस नहीं आया था, मतलब 2 बजे तक हमें ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। अरे आत्मराम, मेरी बात सुनो।
हाथ पर आप। मेहता सर, हमारा ये अच्छा समय तो बहुत जल्दी बीत गया। मैंने तो बोला था जेठालाल, पर चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। जिसका डर था वही होगा। जिस परिस्थिति को मैं, जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी टालने की कोशिश कर रहे थे, वही परिस्थिति आंखों के आगे आ खड़ी हुई। भिड़े नाम का शेर उठ गया और उसने सखाराम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दिए। गोकुलधाम सोसाइटी में महायुद्ध का शंखनाद हो चुका है, हंगामा मचा हुआ है यहाँ। और भिड़े को, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक सखाराम मिल नहीं जाता, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। चुपचाप नहीं बैठेगा वो, तो क्या करेंगे हम? किसी भी तरह भिड़े को संभालना तो होगा, लेकिन कैसे संभालेंगे हम? पहले तो हमारे पास एक आइडिया था, प्लान था, लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन संभालना तो पड़ेगा, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से भिड़े को संभालना पड़ेगा, जब तक कि स्कूटर रिपेयर होकर वापस ना आ जाए गोकुलधाम सोसाइटी में। लेकिन क्या करेंगे, एक तरफ मैं हूँ, डॉक्टर हाथी है, सोढ़ी और जेठालाल है जिन्हें सब कुछ पता है, दूसरी ओर खूंखार भिड़े और गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी जिन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, भिड़े को संभालना पड़ेगा, लेकिन कैसे संभालेगा? मैं चाहता हूँ संभालने के लिए। आपके पास कोई आइडिया है? प्लीज बताइए ना, उसे संभालना। खैर, जिस तरह भी संभाले हम लोग, होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हाँ, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।